हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लो इनकम के कारण खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि इतना हाई प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार हम अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पाते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता है हायर एज में। यदि मैं आपको एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊँ जिसका कि प्रीमियम हमेशा फिक्स होता है, एज के साथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, जी हाँ, ऐसा ही एक ऑप्शन हमारे पास है जिसमें हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है हमारी एज के साथ नहीं बढ़ता है, चाहे हमारी एज 35 साल हो, 45 साल हो, 55 साल हो या फिर 65 साल हो, उसका प्रीमियम फिक्स रहेगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस का नाम है SBI जनरल आरोग्य प्लस। आज के इस वीडियो में हम इस प्लान के सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि यह हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। SBI आरोग्य प्लस प्लान, सबसे पहले चलिए देखते हैं इस प्लान के क्या क्या की बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि इस प्लान का जो प्रीमियम है फिक्स रहता है, एज के साथ बढ़ता नहीं है। 55 की एज तक कोई भी प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीजर्स, इसके साथ साथ यह प्लान फैमिली फ्लोटर एंड इंडिविजुअल दोनों में अवेलेबल है। इस प्लान का एक और यूनिक बेनिफिट है, इसमें मैटरनिटी एक्सपेंस और उसके साथ ही साथ OPD एक्सपेंसेस भी कवर हैं। कवरेज की बात करें तो जो भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, उनसे रिलेटेड सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस, ICU यूनिट फीस, नर्सिंग एक्सपेंसेस, ब्लड ऑक्सीजन, फिजियोथेरेपी, पेशेंट केयर, ड्रग्स, मेडिसिन, कंज्यूमेबल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारे चार्जेस कवर होंगे। इसके साथ ही साथ इस प्लान में हमें OPD ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। OPD के लिए हमें क्या चार्जेस मिलने वाले हैं इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही साथ हमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि हॉस्पिटलाइज होने के पहले जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो 60 एज तक कवर होंगे। इसके साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं अप टू 90 डेज तक के चार्जेस कवर होंगे। डे केयर प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर जिनके लिए 24 आवर्स के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन में आपका ट्रीटमेंट होता है, आप सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, ऐसे 142 डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं इस पॉलिसी में। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो एम्बुलेंस के लिए 1500 रुपीज़ के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही साथ आयुष ट्रीटमेंट या फिर अल्टरनेट ट्रीटमेंट जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होगा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किसी हॉस्पिटल में तो उसके चार्जेस भी कवर होंगे। इसके साथ ही साथ हमें डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन वह होता है जब हम हमारे घर पर हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं, क्योंकि यदि आसपास के किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो या फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो और घर में ही ट्रीटमेंट चल रहा हो, हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा हो, तो फिर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है जिसके चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैटरनिटी के भी एक्सपेंसेस अवेलेबल हैं। मैटरनिटी का जो कवर होगा वह OPD लिमिट के बराबर होगा, जैसे हम आगे देखेंगे कि कितना बेनिफिट हमें मिलेगा मैटरनिटी और OPD के लिए। इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। साथ ही साथ लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। इस प्लान में हमें 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स की पॉलिसी लेने का ऑप्शन मिलता है। इस प्लान में हमें 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख के सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। यही इस प्लान थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि 3 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आजकल के मेडिकल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा पेशेंट नहीं है। फिर भी ऐसे लोग जो हायर सम की पॉलिसी नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो यह प्लान बहुत ही स्पेशल है। जो कि आजकल के मेडिकल वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इस प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, जो बीमारियां हमें पहले से होती हैं, उनके लिए 48 मंथ या फिर 4 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। फर्स्ट 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा, जो कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री कॉमन होता है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस के लिए 9 मंथ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इसके साथ ही साथ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए 1 से 2 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इन्हें हम स्लो ग्रोइंग डिसीज़ कहते हैं, जिनमें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है।
इस प्लान में हमें तीन प्रीमियम ऑप्शन मिलते हैं, 10,500, 15,753 एंड 21,004 रुपीज। तीनों ही प्लान में सम इंश्योर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों ही प्लान में हमें 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपीज का ऑप्शन मिलता है। इस प्लान में हमें इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली फ्लोटर में 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स का ऑप्शन मिलता है। यदि हमारा फैमिली फ्लोटर प्लान हो या फिर इंडिविजुअल प्लान हो, सम इंश्योर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस सिर्फ जो ओपीडी के जो बेनिफिट होते हैं उसमें होता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, इंडिविजुअल प्लान के लिए 10,500 रुपीस प्रीमियम में 19-35 की एज में ओपीडी और मैटरनिटी के लिए 1 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 7,000 रुपीस, 2 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 5,500 रुपीस एंड 3 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 4,000 रुपीस के ओपीडी और मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे। यही सेम प्लान हम फैमिली फ्लोटर में देखें, सेम प्रीमियम के लिए 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स एंड सेम एज ग्रुप के लिए, तो सम इंश्योर्ड तो सेम रहेगा, लेकिन 1 लाख सम इंश्योर्ड के लिए ओपीडी बेनिफिट 500 रुपीस, 2 लाख सम इंश्योर्ड के लिए ओपीडी बेनिफिट 1500 रुपीस एंड 3 लाख रुपीस सम इंश्योर्ड के लिए मैटरनिटी बेनिफिट 4000 रुपीस होगा। सेम एज ग्रुप के लिए यदि हम 15,753 वाले प्रीमियम के बेनिफिट्स देखें, तो 19-35 की एज के लिए 1 लाख रुपीस वाले सम इंश्योर्ड के लिए मैटरनिटी के 10,000 रुपीस के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे, 2 लाख रुपीस के लिए भी 10,000 के बेनिफिट्स अवेलेबल रहेंगे, वहीं 3 लाख रुपीस सम इंश्योर्ड के लिए 8,500 रुपीस के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे। और इसी प्रीमियम में हम यदि फैमिली फ्लोटर प्लान देखें 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स का, तो 1 लाख रुपीस सम इंश्योर्ड के लिए 8,500 रुपीस, 2 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 6,000 रुपीस एंड 3 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 2,500 रुपीस तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि हमारा सम इंश्योर्ड बढ़ रहा है तो ओपीडी और मैटरनिटी के चार्जेस कम हो रहे हैं। सेम यदि हम 21,000 प्रीमियम के लिए देखें, सेम 19-35 एज ग्रुप के लिए इंडिविजुअल में 1 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 10,000 रुपीस, 2 लाख सम इंश्योर्ड के लिए भी 10,000 रुपीस एंड 3 लाख सम इंश्योर्ड के लिए भी 10,000 रुपीस के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। वहीं 2 एडल्ट एंड 2 किड्स के लिए देखें, तो 1 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 10,000, 2 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 10,000 एंड 3 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 7,000 रुपीस के ओपीडी और मैटरनिटी के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, इस प्रीमियम रेंज पर यह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल प्लान है। यदि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आप प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आप इस पॉलिसी को कंसिडर कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 लाख रुपीज़ तक के लिए आप उन्हें इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ अपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।